नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही डिटेल में हर चैप्टर बाय चैप्टर बात किए थे, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो चैप्टर तो सभी चैप्टर आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें केवल चैप्टर और उसमें जो भी डिटेल दिया गया है उन्हीं को हम लोगों ने देखा है। अब आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं उन्हीं चैप्टरों से संबंधित आपके जो मॉक टेस्ट थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन ही, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूप में। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं से आपके ये पढ़ेंगे, आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों ने वो डिटेल में हम लोगों ने जो चर्चा की है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, अगर उसे पढ़ लेते हैं, वो आपके 32 से 33 चैप्टर हैं, अगर वो पढ़ लेते हैं तो उसके बाहर आपका एमपी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। फिर चाहे वो आपका एमपीपीएससी मेंस के लिए हो, फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव के प्रीलिम्स के लिए हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूम में, तो उसी से संबंधित ही आपके 30 से 40 आपके टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, बस देख लीजिएगा, उन्हें भी देख लीजिए, वैसे भी कवर कर लीजिए, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया? याद रखिए, उन सभी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया गया, हृदय प्रदेश किसे कहा है, क्या है मध्य प्रदेश, पूरा डिटेल के साथ। बस इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सभी टेस्टों में, याद रखिए। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस तरह हमारा बीच में होता है पूरे शरीर के, देखा होगा हृदय, इसी तरह मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है। क्या है? भारत के बीचों बीच है। इसके बारे में आप एक पॉइंट और याद रखिए कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन थे? मध्य प्रदेश का जो अपना गान है, गीत है, इसके रचनाकार आपको बताना है कौन थे। तुम याद रखना, महेश श्रीवास्तव। कौन थे? महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश गान के रचनाकार थे। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? दक्षिणतम मतलब इस तरफ, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है आपका बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर, याद रखिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चार, मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को, याद रखिए 1 नवंबर 2000 को आपका पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया था। तो याद रखना है 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6वां, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना है आपको डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल? डॉक्टर पी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन है हमारा 7, मध्य प्रदेश के कुल संभाग कितने हैं? मध्य प्रदेश के कुल संभाग आपके 10 हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो याद रखिए अब तो 410 के करीब पहुंच गए, और आपको इसके लिए करंट अफेयर्स से जुड़ा रहना है। क्या करना है? करंट अफेयर्स से जुड़ा रहना है, जैसे आपको तहसील, क्योंकि तहसील एक छोटी स्तर की तहसील होता है,
जिले और तहसील बदलते रहते हैं। अब अभी आपका निवाड़ी जिला बन गया था, 52वां जिला, अभी 53वां जिला सुन रहे हैं कि बन चुका है, घोषणा तो हो चुकी है, ये आपका नागदा। लेकिन याद रखिए, ये अभी जो भी निवाड़ी तो आपका पूर्ण तरह से घोषित हो चुका है, और जो आपकी 2021 की जनगणना आएगी इसमें इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। निवाड़ी आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला होगा, ठीक है? अगर निवाड़ी अभी भी ऑप्शन में आता है कि सबसे छोटा जिला कौन है और निवाड़ी उसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको निवाड़ी पर टिक लगाना है, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा 9, मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड प्यारंभ होता है। मध्य प्रदेश का स्थानों का जो भी स्थानीय कोड है, पिन कोड क्या है? 4 से शुरू होता है। किससे? 4 अंक से। क्वेश्चन है हमारा 10, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा अगला 11, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका दूधराज, या इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। मध्य प्रदेश की लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो आपका मध्य प्रदेश है इसमें लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 29। कितनी है? 29। याद रखिए, अभी जो आपकी 17वीं लोकसभा चुनाव हुए इसमें आपकी 28 सीटें बीजेपी को मिली थी और एक सीट कांग्रेस को। कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ आपके छिंदवाड़ा से एक सीट निकाल पाए, ठीक है? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसमें आपकी 230 प्लस है, ठीक है? 230 आपके चयन, मतलब उनके लिए चुनाव होता है और एक आपका मनोनीत किया जाता है, तो याद रखना 230 प्लस। क्वेश्चन है हमारा 14, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखना 11। याद रखिए, आपको दो तीन पॉइंट यहाँ याद रखना है। जो आपके विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो यानी कि आपके विधायक MLA, इन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, और जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें आप संसद कहते हैं, सांसद, ये भी आपके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष ही वोट के द्वारा चुने जाते हैं जनता के। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इन्हें विधायक चुनते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि विधायक इनका चुनाव करते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी संसद में 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, फिर आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? क्वेश्चन है 15, मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले हैं? तो 10 संभाग हैं और आपके 52 जिले हैं। निवाड़ी आपका 52वां जिला बना हुआ था, याद रखना है आपको, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, जब भी क्या है कि ये जिले आपके बदलते रहते हैं, क्या है, जिले और तहसीलें जो है आपकी बदलती रहती हैं, ठीक है? तो इन्हें आपको लोग हमेशा याद रखा करिएगा, करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए और आपको पता चलता रहेगा, ठीक है? क्योंकि करंट में जो भी आपका चेंज हुआ करेगा आपको पता चल जाया करेगा, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो करंट से ही मिलते हैं हमें। फिर आपका मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद कर सकते हैं इसे, 308,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? क्वेश्चन है 17, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे सेंट्रल इंडिया। क्या कहते थे? सेंट्रल इंडिया।
क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो आपको याद रखना है 43, ठीक है, 43। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपुर है, याद रखना है, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग क्या है? जबलपुर। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसी तरह के हम लोग और भी आगे टेस्ट लगाते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो याद रखिए, इतना नहीं कि इसी के पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप लोग जब तक डिटेल में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था चैप्टरों का उन्हें देख लें तो आपको मॉक टेस्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उन्हें पहले देख लें, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। ये भी इससे पता चल जाएगा कि इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में, तो मॉक टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी रहता है, लेकिन जब हमें सब कुछ आता हो तभी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे टेस्ट के बारे में।